बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट गेमप्ले वीडियो। अब मैं बहुत ही बार माइनक्राफ्ट खेला रहा हूँ, पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम से वीडियो डाली थी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, थोड़ा सा दादू दादू मारते हैं। और ये जो आप नेदरराइट की शॉट देख रहे हैं, ये है के राइट। हाँ बोल, इसको अपग्रेड, इसका डैमेज बढ़ेगा, इसकी एबिलिटी अनलॉक होगी। मैंने यहाँ बोर्ड नया देखा था, अगर मैंने 15 बम मारे तो ये अपग्रेड हो जाएगा और ये लाइट नहीं गिराएगा, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट कर दिया। खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा प्लस नजर, और मैं मरूंगा तो मेरा ये ड्रॉप नहीं होगा। और मैंने म्यूटेड मॉक का मोड हटा दिया। हाँ कोई भूत ना मिल जाए, हाँ वैसे भूत हो उसको तो मैं बताता हूँ। भूत को जाओगा चैट में अभी, और मैंने सेडर्स भी लगाए, वली जाके सोना पड़ेगा। ओह शिट, ज़ॉम्बी इज कमिंग हियर। और हम गाइस इस वीडियो अरे यार वही पूरा यार भाई बहुत रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है भाई, कई रात में कोई बड़ा सा जानवर आके चिपड़ ना जाए तो सोचा यार क्लिक करते रहो क्लिक करते। आग बंद कर लेता हूँ कि अब तक कोई जंप स्केयर ना दे दे। प्यारी सी सुबह माइनक्राफ्ट की, गली से थोड़ा सा खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है यार। एक मटर मैंने दो मटर में भरेगा मन। अभी मैंने कितने मॉब मारे भाई, गाइस प्लीज बताइए मुझे कितने मॉब मारे, मुझे नहीं पता, मैं गिनता नहीं हूँ ना। यहाँ के आयरन गोलों को नहीं मारेंगे, आयरन हम माइनिंग करने जाएंगे। भाई यार मुझे बताइए कमेंट करके आयरन फार्म। ये देखो एक चीज करके देखा, अरे ए ये लाइटनिंग छोड़ती है, देख रहे भाई भाई पका वो चिकन मिला ना। ओ भाई अब तुम अच्छा, 6 हड्डी को मारना है, 6 गन पाउडर चाहिए। गन पाउडर कैसे लाऊं? अरे यार माइनिंग हेलमेट कहाँ पे गया मेरा, वेयर इज माई माइनिंग हेलमेट। एक सेकंड गाइस, लग रहा है मैंने मोड हटा दिया या फिर मैंने मोड डिलीट कर दिया, रुको मुझे वापस लाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना गाइस, देखो जो भी आपके पास क्रिएचर आएगा कितने ब्लॉक तक के दूर मार सकते हैं, कोई विलेजर को तो मारना है नहीं। डापता क्यों नहीं है रे, ये मुर्गी का देखना। अरे यार मुर्गी का नहीं तो काऊ के बच्चे का बना दो चिकन लग पीस। ये देख रहे गाइस, मुझे किसी हड्डी की पड्डी की आवाज आई, हड्डी की पड्डी की आवाज। देख मुर्गी इधर आ, तू कोने में आ, पहले कोने में आ बेटे, बेटे आ कोने में। हाँ गाइस अगर आपको ये मोड चाहिए तो आपको पहले माइनक्राफ्ट मोड फॉर माइनक्राफ्ट पे जाना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में माइनिंग करने जाएंगे पर सामान कम लेके जाएंगे, बहुत सामान मैंने लिया है, मुझे मॉब वॉब धप्पा कर देता है, बहुत बुरा डर रहता हूँ अचानक से। हाँ बता क्या, तो नहीं डरूंगा। ये ब्लॉक पता नहीं कैसे आया, रैपिड ब्लॉक लग रहा है, हटाओ इसे। अरे अरे गाइस एक और चेस्ट बनाना पड़ेगा, लकड़ी है यहाँ पे क्योंकि लकड़ी की किल्लत है, लकड़ी ही नहीं है,
हम लकड़ी तोड़ के लाना पड़ेगा। डायमंड भी हम लाएंगे पहले हमारे पास अच्छा अनुभव आ जाए। मैं ऑफलाइन माइनिंग करने की सोचा था पर मैं रोब्लॉक्स का बहुत खेलता हूँ। थोड़ा सा पहले खाना पीना लेके जाओ। ओ शिट, मैं तो भूल गया। ओह माय गॉड, मैं तो अभी मरते मरते रह जाऊंगा। ये स्वॉर्ड बवाल है बे। पहले तो इस पिक को ना बहुत डैमेज दूंगा, फिर से जला दूंगा। भाई मुझे अचानक से डर गया, मैं सोचा पर गोल मिला क्या उससे? हाँ मिला सर, एक टुकड़ा खंजूसर से। क्या पिग विग, ये सुअर बहुत हरामी रहते, उनको हिंदी में सुअर ही बोलते। अच्छा तो ये सब जानवर कोई मॉम में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। अच्छा तो मेंटेन का हिट ब्लास्ट नहीं मिल जाता कोई, ये तो हिट ब्लास्ट बहुत भयंकर मारते। अरे हाँ नहीं, पेंटिंग का मोड लगाया क्या मैं? आप कमेंट करके बताइए मुझे। और हाँ मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में हम घर बनाए, अगली वीडियो में जाएंगे माइनिंग में। हम पहले जाएंगे अपना पेड़ वेड़ तोड़ने। एक सेकंड गाइस, किसी के घर में एक सेकंड, बहुत अंधेरा हो गया। अब ठीक है, मैं आयरन गोलम से डरता नहीं, सच बोल रहा हूँ। एक सेकंड, कुत्तू के लिए मेरे पास है क्या कुछ हड्डी? कुत्तू जो डायमंड लेगा, हड्डी लेगा तू ये खा ले तो पालतू बन जा। तू पहले उधर जा, बैठ जा एक जगह, ठीक है? तेरे को मारना नहीं चाहता मैं, नहीं तो ये मेरे को हड्डी बना के खा लेगा। स्केलेटन वेलेटन आ जाए ना, और मेरे पास कोई कुत्ता रहे ना। नहीं मतलब स्केलेटन्स का ना बताऊँ क्या करूँ, हाँ उनको ना पहले भूल ये जो वुल्फ है इनके पास लेके जाओगे, इनके पास बहुत स्ट्रेंथ है। स्केलेटन के दो तीन स्केलेटन को अकेले एक मार सकता है। अजीब सी आवाज आई ना मुझे, दिन में तो कोई आया भागो यार, इधर ज़ॉम्बी है यार। हाँ मेरे पास ज़ॉम्बी का भी ताकत पर तलवार है, ये कितने का डैमेज नहीं पता क्या है मुझे, आई डोंट नो। गन पाउडर के लिए क्रीपर, क्रीपर को, अरे हाँ बिल्ली, बिल्ली मौसी को पालेंगे ना हम, ये फिशिंग रॉड यूज करेंगे। बिल्ली मौसी को पालेगा, अरे ये भाई खाएगा मटर, बहुत गंदी चीज है पर मुझे तो अच्छा लगता है खाने में बजा के। ओह यस बीफ मिल गया। गाइस आप सोच रहे हैं ये तलवार बहुत ओवर पावर्ड है मुकुंद भाई, मत यूज करो। मैं तो यूज करूँ वैसे, मैंने मोटर लगाया यार, देखो ना पानी भी सुंदर हो गया। मैंने बहुत फिशिंग करता था, मैंने एक हैकर वर्ल्ड भी बनाया था मजे के लिए। हाँ बस मैं हैकर का नहीं करता हूँ, बस मछली रानी कब आएगी रे? अबे शिट, टाइमिंग का भी ना फर्क रहता है टाइमिंग से। ड्रोन का बच्चा दिख रहा है डोकरा, विलेजर को ऊपर लाइटिंग नहीं गिरानी, विलेजर को ऊपर लाइटिंग गिरा वो चुड़ैल बन जाएगा तब। विच विच को मैं चुड़ैल बोलता हूँ क्योंकि बहुत गंदेली रखती है, उनकी बिल्ली को पाल लो जाएगी नहीं बाहर विच हट से। हाँ अबे यार एक सेकंड, मछली मारते हैं ना, फिशिंग क्यों करने का? अबे यार लेके मर गई मछली, कब आन दो, आन दो टाइमिंग को। ओ यस एक आई, ओ यस एक और आई, जब आके और मछली आती तो आपका ज्यादा जल्दी आती है मछली। वो मछली जो नहीं दिख रही वो उधर, वो जो नहीं है ड्रम के आगे, वो तो
वो सब दूर गई, मैं तो अगर पास रहती तो कोई मछली आ रही, देख रहे हो टाइम लगता है। मारो इसकी भैंस की पूछ को, इसकी कोई हेल्थी नहीं रहती। बाप रे, ईयरफोन की आवाज मैंने फुल तेज रखी है। नहीं आ जा यार, मछली मछली जन की रानी है, जीवर उसका पानी नहीं है, लावा है। अरे वाह, मछली ले लो बस। और बिल्ली मौसी को पालने के लिए मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो रात हो रही है, रख सो रहा तो पहले अब ठीक लग रहा है। तू कैसा है अब तू तो सबके पापा लगता हूँ अब मैं, बहुत ओवर पावर हो जाती है। मैंने इसे मैक्स कर दिए ना, समझ लो इसका लास्ट लेवल के लिए एंड में बैठना पड़ता है। पर मुझे एंड फ्रेम नहीं बनता, तो मुझे एंडर ड्रैगन मारूंगा तब मुझे जाना पड़ेगा। यार ये बिल्ली वो कहाँ पे मर गई, किसी बिल्ली को ना गड्ढे में धक्का दूंगा मैं। बन गई मेरी पालतू अच्छी बिल्ली, चल तेरे को एक्स्ट्रा खाना हुआ, बस तू मेरी मदद कर दे। एक इसको भी पाल लूं, फिर मैं ओवर पावर हो जाऊंगा। देखना आएगी 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 आएगी, आजा आजा। और उसके लिए तुम्हें स्कूटर की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारा स्कूटर तो खराब है, तुम कैसे जाओगे? अरे हट ना अंधे, देख रहे बहुत इंटेंस मॉल चल रहा है। तू तो गई है, सुरंत मिली वही सुरंत मिलती है यार, तभी साल में सुरंत आया होगा गाइस, एकदम 0.25 की स्पीड करके देखेगा, बहुत बहुत जल्दी सुरंत बहुत जल्दी गायब हो गया। अरे हाँ, मैं तो लकड़ी का घर बनाने मिली है। गाइस आप मेरी माइनक्राफ्ट वाली वीडियो देखते हैं, सैंड्रियास का इसलिए नहीं डाल पाता क्योंकि मैंने सैंड्रियास डिलीट कर दिया, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। इधर बनाऊंगा तो मैं अपने जानवरों को नहीं मारूंगा, आके उल्टा उनको तो मार के उनका काला काला। ज़्यादा पगलाओ मत नहीं तो बेचारे काट लेंगे जानवर। असली में गाय लोग बहुत खतरनाक रहती है, उसको तो बैल पागल रहते हैं, दौड़ा के मारते हैं पट्टे शर्ट शॉट में। इतने में शायद मेरे घर बन जाए। सबसे पहले एक शॉवल ले लो, डायमंड के शॉट की तो कतई जरूरत नहीं है मेरे, है ना, वैसे ही ओवर पावर है इसका। डायमंड नहीं देख सकता मैं, या फिर देख सकता हूँ। कौन सी शॉवल बनाऊं, डायमंड की बना लूं जल्दी जल्दी थोड़ेगा, डायमंड की बना लो यार। एक डायमंड के लिए एक सेकेंड, हम डायमंड को ना सजा के रखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। ये अच्छा लगेगा मेरा घर में।
और तुम लोग चुराइयो मत, नहीं तो ना ऊपर पहुंचा दूंगा। गाइस जल्दी से घर बना के मिलता हूँ आपसे, ठीक है गाइस मैं आपसे घर बनाने के बाद मिलता हूँ, बहुत नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरे मोबाइल में ज़्यादा रैम है नहीं, आधा टाइम तो भर ही रहता है अगले कंटेंट से उतर। तो गाइस मैं मछली पकड़ रहा था और मेरी बिल्ली मर गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मछली मारूंगा मैं, उसकी आत्मा को शांति मिले। गाइस मेरे साथ हो गया मेरी बिल्लू। तू ऐसे क्यों देख रही, ऐसे क्यों देख रही? मैं अपने आप को कुर्बान भी कर सकता हूँ अपनी बिल्लों के लिए। एक चेस्ट डालूंगा इधर अपनी बिल्ली की आत्मा की शांति के लिए। ये उसकी अफसेस वो फायदे से ही चलेगा। अब फ्रीजर रखना पड़ेगा पापा, फ्रीजर लेना पड़ेगा, पैसा फ्रीजर लेना पड़ेगा, तुलसी का काम करके फ्रीजर रखना पड़ेगा जमाने के लिए। ये बहुत छोटा है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा आरआईपी माय कैट, आरआईपी फॉर माय कैट। मेरी बिल्ली मर गई और मैंने हाउस इतना बना ही लिया। मेरी बिल्लू की आत्मा को गाइस आप भी मेरी बिल्ली की आत्मा को श्रद्धांजलि दे सकते हो। बहुत प्यार करता था उसके लिए रेड फ्लावर लाता हूँ। तो दूसरी बिल्ली पालनी पड़ेगी। आँख डाल के देखा तूने, तुम लोग तो गए, तुम अल्टीमेट ह्यूमंगस सोर। अरे मैं तो भेंटेन की घड़ी भी नहीं है मेरे पास गाइस, मैं भेंटेन की घड़ी का जुगाड़ करूंगा पर मेरी बिल्ली के आप पहले श्रद्धांजलि दे दे। इसी बात में बिल्ली की आत्मा को शांति देने के लिए कैट कैट इसी बात पे बिल्ली को शांति नहीं मिली कि मेरी बिल्ली मर गई रे। मैं स्लैप लगाऊं क्या? इस एपिसोड में मेरी बिल्लू रानी मुन गई।
इतना अच्छा चल रहा था सब, मेरी बिल्ली को मर गई, मेरी बिल्ली की पावर दिखा के एक दो क्रीपर मार डालता, तो मेरी बिल्ली मर गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। कोशिश कीजिए कि खूबसूरत ही बनी रहे, क्योंकि बिगाड़ने में केवल एक सेकंड लगता है, बनाने में सालों बीत जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये तो शुरुआत है, हंसते खेलते जिंदगी बितानी है, तो कोशिश कीजिए कि अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाए। ए बिल्जन, उस फ्री में दे यार, बिल्ली मरी है तो नहीं देगा ना, कट तमाचा मार दिया। ब्लैक सी, अब मुझे एक और बिल्ली चाहिए। यहाँ पे गिरी होनी चाहिए तो बिल्ली। ये बिल्ली में बिल्ली क्यों नहीं आती? अरे गोलू, ए ए सुन ले, ए बाबू तुमको चार्जर दिए थे ना लाने के लिए यहाँ पर। गाइस ये साउंड कितना क्रीपी था, मैं सोचा समझ ही नहीं पाया, ये साउंड इतना क्रीपी है, लग रहा है मुझे बोल रहा है क्विट कर दे। गाइस अगले एपिसोड में ये पूरा घर बन जाएगा, मतलब अभी मैं आप समझता हूँ घर को बनाने के बाद। गाइस ये देखो, गाइस मैंने घर बना लिया है फाइनली। तो गाइस मैंने फाइनली अपना घर बना लिया गए। हम वो वाले घर के सामान शिफ्ट कर लो, और गाइस मैंने अपना डार्क नेदर रेड का स्वॉर्ड बनाया है। बस खाने पीने का रखेंगे, एक महीने बाद वापस घर चलेगी, और थोड़ा आयरन स्प्रेड करने के लिए रखेंगे, वाटर बकेट के लिए भी करूँगा अपने, और मुझे 20 लोटा फ्लैश के लिए करना है, उसके लिए मुझे कुछ ज़ॉम्बी चाहिए। किस बेस पे मिला? अनेबल टू मेंटेन, वो मान भी रहा है नहीं पैसा दे पा रहे हैं, नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अरे औकात नहीं, गारंटी भी कैसे रखेंगे, डायमंड वाली को जाने से करेंगे, ये भी रुक कर लेते हैं, पापा भी कैसे तो आप ही से पैसा ले लेता, लेकिन खर्चा इधर-उधर करने तो गाइस हमने फाइनली अपना ये प्यारा सा घर बना लिया है। तो गाइस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब तो बिल्ली के साथ सो के मजा आएगा।